जाह्नवी को आई माँ श्रीदेवी की याद, फोटो शेयर कर लिखा इमोशनल मैसेज। एक्ट्रेस श्रीदेवी की अचानक हुई मौत के बाद देश भर के लोगों को बड़ा झटका लगा था। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की दुबई में मौत हो गई थी, जिसके बाद न सिर्फ कपूर खानदान ने अपनी बहू खोई बल्कि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने अपनी माँ को खो दिया। श्रीदेवी के जाने का शोक कपूर परिवार के साथ साथ बॉलीवुड और देश भर ने भी मनाया। जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने अपने पिता बोनी कपूर संग मिलकर माँ के जाने का गम बांटा था। ऐसा कई बार हुआ है जबकि जाह्नवी कपूर ने अपने और अपनी माँ श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में बात की हो। अब माँ की दूसरी पुण्यतिथि पर जाह्नवी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जिसे पढ़कर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। माँ श्रीदेवी के साथ अपनी बचपन की फ़ोटो शेयर करते हुए जाह्नवी ने लिखा, मैं आपको हर दिन याद करती हूँ। इस फोटो में आप जाह्नवी और श्रीदेवी को सोफे पर लेटे हुए देख सकते हैं। जाह्नवी ने माँ को कसकर पकड़ा हुआ है और दोनों कैमरे के लिए मुस्कुरा रहे हैं। जाह्नवी अपनी माँ श्रीदेवी के बेहद करीब थी। ये दोनों माँ बेटी की जोड़ी अक्सर साथ देखी जाती थी। आज जब श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है तो जाह्नवी और खुशी का उन्हें याद करना लाजिम है। जाह्नवी कपूर अब बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं, जो उनकी माँ श्रीदेवी का सपना हुआ करता था। अगर आज श्रीदेवी यहाँ होती तो उन्हें जाह्नवी पर गर्व होता। बता दें कि श्रीदेवी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता था। फिल्मों में उनके काम की तारीफें हर तरफ हुआ करती थी। ऐसे में आज उनका ना होना फिल्म इंडस्ट्री को बहुत खलता है। याद दिला दे कि श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम थी। इसमें उन्होंने अक्षय खन्ना, सजल अली, अदनान सिद्दीकी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था। जाह्नवी कपूर के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे करण जौहर के फिल्म गुंजन सक्सेना, तख्त और दोस्ताना 2 में काम करती नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वे राजकुमार राव संग फिल्म रूही अफजा में दर्शकों को डराएंगी।